लोग कब तक आवेंगे वो? अरे आते होंगे। फनुआ में बात हुआ है भैया से तो बोल रहे कि भी आ रहे। अच्छा ठीक है, तुम्हें इत्मीनान से जाओ, बाकी अपना वादा याद रखना। आप लोग हमको नया जिंदगी दिए हैं, ये हम कैसे भूल सकते हैं? और अपना वादा हमको अच्छी तरीके से याद है, एक बार वहां पहुंचने दीजिए, फिर देखिएगा वो देवा का कैसे न्यूज पहुंचाते हैं। चले तब पढ़ा चलो बाबू। अरे एक बात तो कहना, हम भूलिए गए। अरे इस तरीके से आराम से वहां जाएंगे तो उन लोगों को शक नहीं होगा, तो थोड़ी खरीदारी कर दीजिए, उन लोगों को भी तो लगे कि बहुत पिटा के आए हैं आप लोग के कैच। चलो रे अंदर साहब को खातिरदारी करो सर। हाँ बाबू सोच सोच के क्या मारो, आराम से मारेंगे, चिंता मत। एक सेकंड, मारा हाथ मत हटाइए ना, लगेगा कैसे, दिखना चाहिए। अरे बाप, बढ़िया है, ठीक है। भिखारी बना देते, ठीक है। अब लग रहा है कि तुम फरार कर दी। अरे जान बचा दी, तब कुर्बानी देने पड़ेंगे ना। अरे ये देखिए, हम लोग कहेगा ये काम के हाथ से जो है पिटा क्या है। चलते हैं तब प्रणाम। हेलो बाबू, बड़ी मारे हो यार, रियल मारते तो छिड़का देते ना। चलते हैं। लेकिन काका ये बिंदा हमको भरोसा के काबिल लगता नहीं। आप लोग बाबा पुलिस आई है। अमित कुमार ठीक है, देखते हैं। खोलो गेट, खोलो, आइए। पुलिस कंट्रोल देखिए, हम लोग बाबा का हवेली में पहुंच गए। मेघा से फिर पूछताछ करने आए? जी नहीं, वैसे तो हम कल ही आने वाले थे, मालूम चला कि आप लोग यहां पर हैं नहीं, इसलिए आ जाना पड़ा। चलना पड़ेगा आपको साथ में थाने, अरेस्ट वारंट है आपके खिलाफ। क्या कह रहे हैं, होश में तो हैं? इसको देखिए आप, पढ़िए क्या लिखा है। अरे हमको नहीं देखना आपका अरेस्ट वारंट, आप जानते नहीं है किसके घर में बैठे हैं आप? अच्छी तरह से जानते हैं, महाराजगंज के एक गुंडे के घर में। मुंह संभाल के बात कीजिए आप। चुप, बहुत देर, अंदर समझाइए। विजय कांत जी समझाइए ना, क्योंकि जितनी बंदूक और गोलियां हैं आपके पास, इससे कहीं बड़ी फोर्स है हमारी। इसलिए बेहतर होगा कि कानून के दायरे में रहकर हम काम करें, और आप लोग अपनी सीमाओं में। भवानी
आप ही बताइए बाबा को किस इल्जाम में अंदर कर रहे हैं आप? दिनकर जी की हत्या के आरोप में। आप ही बताइए बाबा को किस इल्जाम में अंदर कर रहे हैं आप? दिनकर जी की हत्या के आरोप में। पावर की बात तो जितनी पहुंच है आपकी आप इस्तेमाल कर लीजिए। कौन बोला आपको कि दिनकर का मर्डर बाबा ने किया? उदयलाल ने बाबा के खिलाफ गवाही दी है। कोई कुछ भी गवाही देगा तो किसी को भी गिरफ्तार कर लीजिएगा आप। देखिए, सच और झूठ का फैसला अदालत में होगा। हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर है, इसलिए बेहतर यही होगा कि बाबा बिना किसी रोक टोक के हमारे साथ चले, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है आपको। प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ, प्रॉब्लम को जाने दीजिए। देखते हैं कैसे ले जाते हैं। शांत रहिए आप लोग। जाने दो हमको, कौन बवाल खड़ा करने का जरूरत नहीं है। अब तो समंदर चाहिए, हम संभालते हैं। इधर कमाले हो गया, डायरेक्ट घर में घुस गया। बताइए, इस साला जब से अमित कुमार आया ना, तब से बहुत रंगदारी दिखा रहा है। गया कौन है, जोश मार रहा, सब हो जाएगा। जा कुछ भी हो जाए, बाबा को जाने दीजिए। देखो जाने दे बाबा को, तुम रास्ता तो नहीं जाने दे, जाने जाने नहीं देंगे पापा, हम आपको जाने नहीं देंगे। आप नहीं जा सकते बाबा। बाबा शुरू से हम आपके साथ रहे, ऐसा स्थिति भी हम आपके साथ हैं। बाबा हम आपको जाने नहीं देंगे। हम कह रहे हैं जाने दो, ऐसे ही कोई आपको ले जाएगा। जाने दो। नहीं बाबा, जाने नहीं देंगे। आप लोग उसमें चलिए चलिए आप लोग। तोरे कुलचनी, ये सब तोरे कारण बा। ना तू घर से भागे, ना दिन करवा मरे, और ना बाबा के जेल जाएगे पड़े। तोरे कुलचनी, कौन घड़ी में जन्म ले रहा तू? हाँ, पूरा खानदान के नाक कटाते भी जेल ना पड़ना तो रखे। हाँ, आज हम तोरा के सही पाठ पढ़ाइए के रहा। ससुरा, अरे सारा इज्जत चल गया जी। उस सीआईडी ऑफिसर घर में घुस कर गिरफ्तार करके ले गया बाबा को। सही बात है, बाबा को धर के ले गया ना, धज्जी उड़ा के रख दिया इस शर्मा खानदान का सीआईडी अफसर होगा। अरे हमको तो लगता है कि शर्मा खानदान का पतन समझो शुरू हो गया है। अरे विजय कांत बाबा के बिना कुछ कर भी नहीं सकता है, वो अकेले करेगा का? सारा दिमाग तो बाबा का ही चलता था, अब बाबा चले गए अंदर। चुप रहे तुम लोग। बाबा विजय कांत को इतना काबिल कर दिए हैं कि वो सब संभाल सकता है अब। आखिर अमर कांत बाबू का खून है। ठीक कह रहा हूँ भाई, विजय कांत कोनो कमजोर आदमी नहीं है। देखते जाओ,
बबवा को पुलिस कितना दिन अंदर रखता है? ए यार बेसी पुटानी मत झाड़ो, ये महाराजगंज का पुलिस नहीं है कि अभी गए और चल आए। ए बाबू ये CID ऑफिसर है, अब बाबा जल्दी आने वाले ना है, जन है। बाबा अगर ठेस अंदर आ गए ना तो दुलारी देवी का पूरा वर्चस्व बन जाएगा और हमको लगता है कि दुलारी देवी बाहुबली बन जाएंगी और उसके बाद इस शर्मा खानदान को चुन चुन के बदला लेगी। ये सब इतना आसान भी नहीं है, निशा जी के हाथ में पूरा प्रशासन है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगी बाबा के लिए। विजय कांत भी कौन चुप बैठने वाला नहीं है। ए भाई हमको तो ऐसा लग रहा है ना कि महाराजगंज में फिर से वो एक खूनी लड़ाई चालू होगा, दोनों लड़ेगा और लाश गिरेगा, पूरा महाराजगंज लड़ाई की आग में जलेगा। अरे देखो भाई अब जो भी होगा ना देखने के लिए तैयार हो जाओ बस। अरे तू जाओ ना चाय बैठो ना यार, तू चाय बैठना छोड़ के पॉलिटिक्स का एमए कर ले, जाओ चाय बैठो। ला हमरा पान दे दो। अरे तुम लोग लेमन जूस से पान दे रखा है, सुनो शक्कर कम डालना समझे? हाँ जल्दी लाओ कड़क चाय। बलकिनी 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 मैं कहाँ भेज रहे? अरे देखिए ना बिंदा भैया आ गए। बिंदा जी बलकिनी खुशी का बात है ना, हम जिंदा आ गए। बैठो बैठो बैठो, कितना चोट लग गई तोरा के? पुतन देखो बिंदा आ गई, कितना भगवान से प्रार्थना किया हम बिंदा तोरा खाते, तू आ गई भाई, हम बहुत खुश बानी। आप प्रार्थना किए इतना पूजा किए तभी ना हम जिंदा आए, कितना बच बचा के आ गए। अरे ये वो बात बताओ कि तुम उनके कब्जा से निकल कैसे गए? अरे बाप रे बाप, का बताएं, कौन सा काल कोठरी में लोग बंद किया था। हाँ। हम तो भागने का बहुत कोशिश किए, इन लोग का आदमी आ जा। अच्छा उठा पटक चालू, हमरे हाथ में वो बाल्टी हाथ लगा, देव बाल्टी रगे दिए, बाकी चार आदमी का जो है ना गेम डाउन कर दिए। देखा ये हमारा असली भाई पुतन। हाँ। हमरा संगे सब कुछ ठीक हो रहा बा, उन्हें उदय बाबा के खिलाफ गवाही दे देले बा, एने बिंदा घर आ गेल बा, हम बहुत खुश बानी। अरे डॉक्टर के बुलावा लोग। जी मालकिनी अभी जा ना धोला जा 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 बैठा। ए बिंदा रुक 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 एक मिनट। का भाई तोरा घरे आवे की खुशी में हम तोरा के एगो तोहफा देवे के चाहता नी, रुक। कैसन तोहफा देबनी? ई देख तोरा ला हम एक लड़की खोज लेले बानी और बहुत जल्दी हम तोहर ब्याह करावे वाला बानी बिंदा। हम ब्याह हुआ ना करो। कहे ना करवा ब्याह? हाँ इतना अच्छा लड़की बा और तू? हम अपने जिंदगी में अकेले बहुत खुश हैं, आई लड़की अच्छी है ना। ए पुतन देखो तो कर लो ब्याह। तू कहे ना करब? अरे हम कहता नहीं कि तोरा के ब्याह करे के पड़ी बिंदा, ब्याह कर लो बिंदा। हाँ हमने हम भी कह दिए हैं हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, इतने नौटंकी का शौक है तो पुतनवा का करवा दोगे? कैसे बात कर रहा हमरा से? अरे कुछ ना दीदी, मारा पिटी करके आओ तनु तो कर दिमाग गरम बा, तू थोड़ी देर आराम करी तो ठंडा हो जाए, उकरा बात समझा ले। ए मालकिन तू बैठो। अरे मालकिन को बहुत बड़ा खुश खबर लेके आया है। अरे जो CID अफसर आया को था मर्डर केस में, हाँ बाबा को पकड़ के जेल में लेके गया। अरे ये तो बहुत बड़का खुशी बा। अरे मिठाई बटवावा लोग, लड्डू बटवावा, बहुत ही अच्छा खबर बा। ए सुन सुन। हाँ। हाँ भैया गांधी चौक जो जोहिरा के मिठाई दुकान से 1000 के मिठाई ले। बिल्कुल बोल पुतन भैया भेजले हैं। हाँ। अरे दो चार को फायरो कर दिए। अब जो निकल जल्दी। अरे भैया अब आई है असली मजा, अब हम देखत हैं कि शर्मा खानदान कैसे बचाता है अपना इज्जत को। बाबा तो अंदर गया पुतन। हाँ हाँ दीदी। विजयकांत का खेला खत्म करने का तैयारी करो। ठीक बा। क्या बात? विजय भैया मैं और घर के सभी लोग जो जानते और समझते भी हैं कि
इस वक्त आप बहुत परेशान हैं और काफी टेंशन से गुजर रहे हैं। नहीं, अच्छा बात है कि घर वाले हमारे टेंशन को समझ रहे हैं, लेकिन उस टेंशन का निपटारा भी तो हमको ही करना होगा। हाँ, इसीलिए तो मैं आपसे बात करने आई हूँ कि अब आगे क्या करना है, बाबा को जेल से बाहर कैसे निकालना है। आखिर हम दोनों को बैठकर सोच समझ कर ही ये डिसीजन लेना होगा। अब इतना भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है तुमको, हम बहुत बढ़िया से जानते हैं कि हमको क्या करना है। जी भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ सिर्फ आपका दुख बांटने आई हूँ। जी नहीं, तुम हमको यहाँ बताने आई हो कि हमको क्या करना चाहिए। ज्यादा होशियार बनने का जरूरत नहीं है, अपना जो दिमाग है अपने पास ही रखो और एक बात बढ़िया से समझ लो, तुम कभी बाबा का जगह नहीं ले सकते। मैं सिर्फ यहाँ ये सोचकर आई थी कि मैं आपकी मदद करूंगी। बहुत मेहरबानी आपका, लेकिन हमको आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, हम अकेले ही काफी हैं सबके लिए। हम खुद प्लान कर लेंगे कि बाबा को कैसे निकालना है, आप जाके जरा अपना काम देखिए। विजय भाई, आप क्यों नहीं समझते कि बाबा कोई महाराजगंज पुलिस की कैद में नहीं है, वो CID की कैद में है। और आपको क्या लगता है वहां से बाहर निकालना इतना आसान होगा? तुम अपना उपदेश बंद करो, निकलो यहां से, करो निकलो यहां से। आइए, हमको समझाने बाबा को निकालना है।